प्यारे बच्चों नमस्ते, कैसे हो तुम सब? बच्चों, तुमने कुछ लोगों को कहते सुना होगा कि किसी को ठंड का मौसम अच्छा नहीं लगता, कोई कहता है कि उसे गर्मी पसंद नहीं है और कोई कहता है उसे बरसात का मौसम अच्छा नहीं लगता। पर बच्चों, हमारे लिए हर मौसम ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये सारे मौसम ना हो तो फसलें नहीं होंगी और एक ही मौसम होने के कारण से हम सब परेशान भी हो जाएंगे। अक्सर जब मौसम में बदलाव होता है तब कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। हाँ, यह ज़रूर है कि यदि ज़्यादा ठंड पड़े या ज़्यादा गर्मी हो या अधिक बारिश हो, उस समय कुछ दिक्कतें होती हैं। जैसे यदि ज़्यादा ठंड है तो रात में बाहर जाने में परेशानी होगी, गर्मी के मौसम में दोपहर में बाहर निकलने से दिक्कत होती है, और इसी तरह जब बरसात ज़्यादा होने लगती है तब हम बाहर जाकर अपने काम कर पाने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। खासकर छोटे बच्चे तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बरसात के कारण वो बाहर नहीं खेलने जा पाते। तो आज मैं भी तुम्हें एक ऐसी ही कविता, जो तुम्हारी कक्षा दूसरी के पाठ 10 में है, कविता का नाम है बहुत हुआ, यह पढ़कर सुनाऊंगी। और इसमें हम ये जानेंगे कि जो बच्चे हैं वो लगातार बारिश होने के कारण क्या महसूस कर रहे हैं। आओ इस पाठ को पढ़कर जानें। बच्चों, इस कविता को मैं तुम्हें सबसे पहले पढ़कर सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना और फिर इसके बाद तुम भी इस कविता को मेरे साथ दोहराना। तो पाठ 10, बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसें पोरियत झेलें, ज्यों पिंजरा में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। बच्चों, आओ इस कविता को अब तुम मेरे साथ दोहराओ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। कैसी लगी बच्चों कविता तुम्हें? इस कविता को तुम अपने पुस्तक से पढ़कर अपने घर के लोगों को भी सुनाना। आओ अब इस कविता का हम अर्थ समझते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, इन पंक्तियों का अर्थ है बच्चे इस कविता में लगातार बारिश होने के कारण घर पर रहते रहते तंग आ गए हैं और बादल से कह रहे हैं, बादल भैया अब बरसना बंद कर दो, बहुत हो गया, सब तरफ कीचड़ कीचड़ पानी ही पानी हो गया है, मतलब सब तरफ पानी भर जाने से कीचड़ हो गया है। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। बच्चे आगे इस कविता में कहते हैं कि तेज बारिश होने से घर की छत से पानी टपक रहा है और इसके कारण सबको नानी याद आ गई है। नानी याद आना मतलब घर के लोग पानी टपकने से जगह जगह पर बर्तन रख रख कर और उसका पानी फेंक फेंक कर परेशान हो गए हैं, इसलिए बादल भैया अब बरसना बंद करो। जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ। कविता की इन पंक्तियों का अर्थ है बच्चे बादल से कहते हैं कि तेज और लगातार बारिश होने के कारण हम घर के बाहर खेलने भी नहीं जा पा रहे हैं और घर में रहते रहते बोर हो गए हैं, कहाँ जाएं कहाँ खेलें कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम भी मौन सुआ के जैसे हो गए। मौन सुआ मतलब तो तुम्हें पता ही है, सुआ का मतलब होता है तोता,
और मौन का मतलब होता है चुप, एकदम चुपचाप जो तोता बैठा हो वैसा। तो बच्चे कहते हैं कि हम पिंजरे में बंद मौन तोते के जैसे चुपचाप कैद हो गए हैं। सब बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसलिए बादल भैया अब बरसना बंद करो। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। बच्चे सूरज दादा से कहते हैं कि सूरज दादा अब आप ही धूप खिलाओ और जिस है सड़कों पर पानी सूख जाए। लगातार बारिश होने से सड़कों में पानी भर गया है, वे नदी और तालाब जैसी दिख रही हैं, तो उनका पानी सूखे और हम बाहर खेलने जा सकें। ठीक है बच्चों, समझ आई ना कविता? शाबाश। आओ अब इस पाठ से जुड़े हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। इसमें तुम्हें सही विकल्प चुनना है। इसका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, लगातार बारिश होने के कारण कौन परेशान है? इसमें चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है सूरज, दूसरा है बादल, तीसरा है सुआ और चौथा विकल्प है बच्चे। अब तुम बताओ इसका सही उत्तर क्या है? शाबाश, इसमें सही विकल्प है बच्चे। अगला प्रश्न है, सुआ जैसे समान ध्वनि वाला शब्द कौन सा है? पहला विकल्प है तोता, दूसरा मैना, तीसरा कबूतर और चौथा चूहा। तो समान ध्वनि सुआ जैसे जो एक जैसा सुनाई देगा। सही कहा तुमने, इसका सही उत्तर है चूहा। अगला प्रश्न देखो, कविता में बच्चे दादा किसे कह रहे हैं? याद है ना तुम्हें? शाबाश, इसमें चार विकल्प हैं। पहला विकल्प बादल को, दूसरा सूरज को, तीसरा सुआ को, चौथा कीचड़ को। बहुत बढ़िया, इसका उत्तर है सूरज को। अगला प्रश्न, ताल का क्या अर्थ है? इसमें पहला विकल्प है नदी, दूसरा विकल्प है तालाब, तीसरा विकल्प है कुआं और चौथा विकल्प है समुद्र। तो ताल का अर्थ होता है तालाब, मतलब इसका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, अब अगला अभ्यास कार्य हम करेंगे जिसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना है। इसमें प्रश्न है, बारिश कहने से तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और बताओ। इसका उत्तर मैं तुम्हें बताती हूँ। जब बारिश कहने से तुम्हें इस तरह के कुछ शब्द याद आते होंगे, जैसे देखो छतरी, रेनकोट, नाव, कीचड़, पकौड़े और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, बारिश में जब खूब पानी बरसता है तो यह सब पानी कहाँ जाता है? सोचो। शाबाश, इसका उत्तर है, बारिश में जब खूब पानी बरसता है तो यह सब पानी कुएं, तालाब, नदी नालों, झील, समुद्र और जमीन के अंदर चला जाता है। बच्चों अब मैं तुम्हें इस पाठ से जुड़े कुछ गृह कार्य देती हूँ जिसे तुम घर पर करना। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? कौन कौन लोग हैं ये देखो। सबसे पहला है इसमें लोग, कबूतर, केंचुआ, कुत्ता, मछली, मोर। अब सोचो, जैसे हम यदि कहें कि लोग बारिश से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे, लोग करेंगे छतरी ओढ़ना। ठीक है, अब इस तरह बाकी के बारे में तुम सोचो कि ये सब क्या उपाय करेंगे और उन्हें यहाँ पर लिखो। अगला प्रश्न, जब बहुत बारिश होती है तब तुम कहाँ खेलते हो और तुम कौन कौन से खेल खेलते हो? अब याद करो, बारिश में तुम कौन कौन से खेल घर में बैठकर खेलते हो और उन्हें लिखो। ठीक है, अगला प्रश्न है, कागज़ की नाव बनाओ। अब ये काम तो तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है,
इस काम में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हम कागज से नाव किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसे। आओ बच्चों, अब हम कागज की नाव बनाना सीखते हैं। इसके लिए तुम कोई भी इस तरह का एक कागज ले सकते हो। इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा मोड़ लेंगे, इसके किनारों को बराबर करो, इस तरह से इसे मोड़ो और हाथ से इसे दबा दो। ठीक है, अब इसका जो अतिरिक्त भाग है इसे हम इस तरह से मोड़कर बाहर कर देंगे। अब इसे हम फाड़ लेंगे। अब देखो ये इस आकार का हमारे पास ये कागज तैयार हो जाएगा। अब इसे हम नाव बनाने के लिए बीच से बराबर भागों में मोड़ देंगे। इसके बाद फिर बीचों बीच इसे मोड़कर इस तरह से कर लेंगे। समझ आया ना? अब क्या करेंगे, इसे घुमाओ और जिस तरफ से कागज खुल रहा है इसका एक भाग लो और यहाँ किनारे जोड़ते हुए इसे फिर से एक बार मोड़ दो। ठीक है बच्चों, ऐसा पलटेंगे और बाकी के तीन और जो भाग हैं इन्हें हम ऐसा हाथ से दबाकर मोड़ देंगे। अब ऐसा खोलो, देखो ये इस तरह से बन गया होगा। अब इसे बीच से फिर से मोड़ दो ऐसा। ठीक है, इसे अच्छी तरह दबा दो और उसके बाद आराम से ऐसा इसे खोल दो। ये देखो बन गई कागज की नाव। अब जब भी कभी बारिश हो तो तुम्हारे घर के आसपास गली में या सड़कों में पानी जम जाए तो तुम इस तरह की कागज की नाव बनाकर उसमें खेल सकते हो। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, जल्दी ही हम अगली कक्षा में मिलेंगे।